तेरा के कुछ काम नहीं क्या भिंडी मादर गुस्सा आता है। कंट्रोवर्सीज में तुम स्ट्राइक मारोगे, ठीक है? एक इसको हेड मारा। व्हाट भाई, दो गोली में। Hey, what's up everyone? I hope so आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। Welcome back to our channel। आज भी मेरे पास बहुत ही interesting stories से दिन वीडियो को एंड तक देखते रहना। और guys, तो चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। okay, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी के साथ। एंड मैं बात करने वाला हूँ MG Alpha FF के बारे में। फाइनली अल्फा भाई ने कर दिया है अपना फेस रिवील। आप लोग भाई का फेस देख सकते हो। कि अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। एंड मैं बात करने वाला हूँ बिंजेट गेमिंग के बारे में। आपको तो पता ही है अभी के टाइम पर फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ क्रिएटर्स के बीच में क्या चल रहा है। भाई स्ट्राइक का गेम चल रहा है, उसने इसके चैनल पर स्ट्राइक मार दिया, उसके चैनल पर भी मार दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा, क्या ये स्ट्राइक मारना सही है? तो कल बिंजेट भाई गिल वॉर लाइव कर रहा था, वहाँ पर एक बंदा चैट में पूछता है कि एक क्रिएटर होकर एक क्रिएटर को स्ट्राइक मारना सही है। इसके बाद बिंजेट भाई का क्या रिप्लाई आता है तो आप लोग खुद देख लीजिए। फ्री फायर कम्युनिटी में क्रिएटर होकर ही क्रिएटर को स्ट्राइक मारते है, क्या सही है? अरे भाई अच्छा नहीं होता यार। बट अगर सामने वाले बंदा सच में इतना खराब कर रहा हो तुम्हारे साथ, तब तुम स्ट्राइक मारोगे तो समझ आता है भाई। बट कंट्रोवर्सीज में तुम स्ट्राइक मारोगे या तो ऐसा कुछ, वो सब समझ नहीं आता भाई। क्योंकि बहुत बार स्ट्राइक मारना ना क्रिएटर का वो होता है, हक होता है, ठीक है? अगर वो बंदा तुम्हारे को प्रॉब्लम कर रहा है, तुम्हारा कॉन्टेंट उठा के मिसयूज कर रहा है, कुछ कर रहा है गलत, ठीक है, तब स्ट्राइक मारना भी सही होता है। बट कंट्रोवर्सीज के लिए इट्स लाइक, तो जिसने कुछ किया ही नहीं होगा, बस तुम्हारा कंटेंट उठा के डाल दिया, उसको ऐसे ही स्ट्राइक मार दोगे, ये चीज गलत। ओके, मैं अभी बात करने वाला हूँ पहाड़ी गेमर के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा पहाड़ी भाई का बहुत पहले विवेच रिमूव हो चुका था, बट अभी फिर से भाई को विवेच वापस मिल चुका है। तब उनका और उनके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था तो आप लोग देखिए। तो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना गेम ओपन किया एंड मुझे तो यार कुछ पता ही नहीं था, एंड गरेना वालों ने मेरे को विवेच वापस दे दिया। तो यार मैं ये चीज देख के शॉक था, एंड मैं, मेरे को तो ये पहली बात तो ये पता भी नहीं था। मैं अपने दोस्त के ग्रुप में गया, उन लोग, वो लोग मेरे को कांग्रेचुलेशन कर रहे। मैं कह रहा हूँ भाई कांग्रेचुलेशन किस लिए कर रहे? फिर उन्होंने बोला कि यार आपका वी बैच वापस आ गया, एंड मेरे गिल के सभी बंदों ने मेरे को कांग्रेचुलेशन कहा। तो गाइस मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाता हूँ, मेरे फ्रेंड लिस्ट के जितने भी बंदे थे उनका रिएक्शन क्या था जब मेरे पास वी बैच आया। अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। मैं बात करने वाला हूँ टोंडे गेमर के बारे में। टोंडे भाई लाइव पर हो जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। क्यों? आपको पता ही है टोंडे भाई अपने सर्वर में बीआर रैंक पुश कर रहा है, और भाई वहाँ पर रीजन टॉप नंबर वन पर भी है। आपको पता ही है बुआ होने से भी बहुत ही कम प्लस होता है, वहाँ पर लोग स्ट्रीम स्नाइप करके बार बार मार देते हैं। उसके बाद और क्या, टोंडे भाई को हो जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। ओके, आप लोग देखिए। गेम प्ले होता ही नहीं ना ऐसे, मतलब लूट कर रहे होते हैं बंदे, मतलब आ जाते हैं पहले लूट करके बैठ जाते हैं। अबे तेरा के कुछ काम नहीं क्या माधर डीएस गुस्सा आता है। हो जाएगा कितना सीरियसनेस होता है। अरे को फर्क नहीं पड़ेगा ना तेरा रैंक स्कोर, जब तक डाउन नहीं होगा तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सेम स्क्वाड है, डीएस वही स्क्वाड है, थोड़ा सा डीएस गेमिंग, ओएस गेमिंग जो भी है। थोड़ा सा कल से एक और काम करना, जो भी फ्रेंड लिस्ट में बंदे है ना मैच मेकिंग जो लगाते हैं उनको अनफ्रेंड कर देना कुछ दिनों के लिए, ठीक है? फ्रेंड लिस्ट से भी लगती है। नहीं नहीं, वो वाले बंदे तो अच्छे हैं, हमारे वाले बंदे तो स्ट्रीम देख के नहीं आएंगे ना इस भाई। लड़ना मैच मेकिंग, फिर भी मैच मेकिंग लगना है। मैं मानता हूं नहीं आएंगे, अच्छे बंदे हैं लेकिन उनकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन अपना है कौन नहीं, किसको मारना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑल द टाइम। कहां टीम अप करता है कोई, कहां टीम अप करता है? अभी तो किया, कल किया था, इसीलिए वो भी मतलब बुया नाम मिस हो करके किया होगा उसने, बंदे ने होता ना हमारे लिए सोचा होगा, इसमें उसका गलती नहीं है कुछ भी। अपने बंदे तो अपने बंदे होते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे वैसा, मतलब वो चीज का सोच नहीं होता है ना।
जो और लोग वो होते हैं ये होते हैं हरामी। खाना भी नहीं खा रहा हूँ ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है ओनली बहुत। हाँ चिड़चिड़ होता है खाना नहीं खाते बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। कल डिले रखना, अच्छे से वो कर दो, कल डिले रखना। ओके अभी बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। मैं बात करने वाला हूँ नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। तो 3 तारीख को इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया बहुत बड़ा मैच होने वाला है। नॉन स्टॉप भाई ने बहुत दिन पहले अपनी चैनल पर स्ट्रीम शेड्यूल करके रखा है। तो परसों नॉन स्टॉप भाई लाइव कर रहा था, वहाँ पर भाई ने एक क्लिप दिखाया है जो सीना ने भाई को सेंड किया था। वहाँ पर दिख रहा था इंडोनेशिया की स्क्वाड हैक यूज कर रहा था, बट मुझे नहीं पता। आप इस क्लिप को अच्छे से देखना और कमेंट करके जरूर से बताना सच में इंडोनेशिया की स्क्वाड हैक यूज कर रहा था या नॉर्मल में भी ऐसे मार सकता है। आप लोग नीचे कमेंट करना मत भूलना। और इसके ऊपर नॉन स्टॉप भाई का क्या रिएक्शन था तो ये भी देखिए। और तुम्हें गाइस एक क्लिप दिखाऊं तो मैं आप लोगों को, जो इन्होंने उनको हैकर बोला है ना, किस क्लिप के बेसिस पे बोला है मैंने अच्छे से देखी नहीं है, बट एक बार मैंने तुम्हें स्ट्रीम पे क्लिप दिखा देता हूं, ठीक है ना भाई लोग। जो इन्होंने इंडोनेशिया की स्क्वाड को हैकर बोला है, मैं भी अभी ध्यान से देखूंगा, उन्होंने मेरे को भेजा था, मैं देख नहीं पाया स्ट्रीम और ये अकाउंट वगैरह के चक्कर में। तो चलो डिसाइड करेंगे उस क्लिप को देख के हम लोग कि क्या सच में इंडोनेशिया की स्क्वाड हैकर है। शॉटगन में कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई कोई स्क्वाड हैकर होगी कि नहीं, अब ये बोल रहे हैं यार। मेरे को तो अब किसी भी टीम के बारे में ऐसा, क्योंकि पता ना क्लिप्स का ना इसलिए पता नहीं चल रहा है, सीन ये है कि वो लोग ना बड़े वाले क्लाइंट से दिखा रहे हैं, जो पीसी क्लाइंट है ना सीएस का उससे दिखा रहे हैं वो लोग, तो इसलिए क्लिप का ना पता नहीं चल रहा है। बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और मैं खुद भी देखता हूं कि क्या वो क्लिप फेयर है, अनफेयर है, क्या है। भाई अलग से ही क्लिप निकाल के रखी है इन्होंने, ये लो। क्वालिटी थोड़ी लो है भाई, क्वालिटी आप लोगों को, हाँ क्वालिटी थोड़ी लो है। तो ये है क्लिप, आप लोग भी देखो, मैं भी देखता हूं क्या है। शॉटगन से मारे, अरे यार ये तो ज्यादा ब्लर है। फर्स्ट अच्छा ये, अरे अरे भाई ये क्या था, देखो क्लिप को यार, क्लिप को ज्यादा ही ब्लर है। मेरे को मोबाइल में मैंने चेक की थी ना, मोबाइल में तो ठीक दिख रही थी, बट यहाँ पे पता चल रहा है, एक बार पूरी चला देता हूँ। सेकंड वाली में पता चल रहा है कि एम उसका दूसरे पे भी चला गया है, छोड़ गया क्या। अरे दो फर्स्ट ब्लड भाई, पहले वाली क्लिप में भी उसने दो बंदे मारे हैं क्या, ठीक है एक इसको हेड मारा, व्हाट भाई दो गोली में, व्हाट द सीना मेरे को बहुत बोल रहा है भाई केयरफुल खेलना तुम लोग, पता नहीं वो उसको डर कभी लगा नहीं है इतना खेलते हुए। ठीक है दो को मार दिया एक पे और दूसरे को भी हेड मार दिया, भाई ये क्या है, प्रो है भाई, बहुत ज्यादा प्रो है भाई। हम लोगों ने तो बोल दिया कि हम लोग खेलेंगे स्क्रीन शेयर करके, एक दो होली में दो खेल कर दिया। ओ भाई ये स्पेक्टेड ग्लिच यार, इसमें तो नहीं हो सकता यार, जहां तक पीसी क्लाइंट में धरती में मार रहा है बंदा, धरती में मार रहा है बंदा, बंदा धरती में मार रहा है भाई। और इधर से भी ऊपर के तो भाई इसलिए केयरफुल बोल रहे हो। अब भाई अल्लाह से स्क्रीन शेयर करके खेलेंगे हम, तो देखेंगे क्या होगा। बड़ी ब्राजील फेल कर दिया, टू बी ऑनेस्ट ब्राजील बंदे ने फेल कर दिया है यहाँ पे इंडोनेशिया, ब्राजील के बंदे भी नहीं मारते भाई। और ओनली शॉटगन क्यों रखा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है गाइज, पता नहीं क्या होगा गाइज। लो भाई अब तो सीना भी बोल देगा हैकर है भाई, हैकर है। सीना ने क्लिप भेजी है मेरे को यार, वो अब तक इंडियन स्टोर में ऐसे खेला है, बहुत अच्छा अच्छा मारा है हमारे प्लेयर्स ने, बट सीना ने कभी सवाल उठाया नहीं है। बट सीना ने ये बोल दिया भाई अगर वो ये सब चीज यूज ना करे ना, हम लोग उनको इजी हरा दें। अब मैं वही सोच रहा हूँ अनलिमिटेड में सीना की टीम से कैसे जीत गए यार, वो कैसे जीत गए मेरे को लगा नहीं, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इंडोनेशिया में इतनी सारी टीमों से खेला है, मतलब इंडोनेशिया में ना इतनी सारी टीमें बोल रहा हूँ मैं, वियतनाम में तो हम लोगों ने इतनी सारी टीमों से खेला अनलिमिटेड में, इंडोनेशिया में एक ही टीम से पहले खेला था, एक एलडी इंडो करके कोई टीम थी, एलडी इंडो टीवी यूट्यूबर था, उससे खेला था, उतना जबरदस्त खतरनाक उनका हम लोगों को कुछ दिखा नहीं लगा। ओके गाइस तो आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। ओके तो इस वीडियो को यही पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू ऑल। That was just me, time's up.